आप देख रहे हैं अमेज नाउ। अमावस्या हो या पूर्णिमा की रात, साधु संतों सन्यासियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और इन दिनों में सन्यासी अपना ढेर सारा समय मेडिटेशन में लगाते हैं। इस बार फागुन की पूर्णिमा पर जहां समूचा देश रंग भरी होली खेल रहा था, लोगों को शुभकामनाएं दी जा रही थी और प्रत्येक घरों में तरह तरह के पकवान व्यंजन तैयार हुए और लोग उसका स्वाद ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर जनपद के सिंघड़िया स्थित ओशो ध्यान केंद्र पर आचार्य रजनीश के फॉलोवर्स ध्यान मग्न थे। मेथडोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म देते हैं, ना कि तथ्य धारणाएं परंपराएं कि शास्त्रों में ये लिखा है कि वो लिखा है, ऐसा नहीं। वो शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति देते हैं ध्यान की, जिसके द्वारा जो भी सत्य है वो हमारे अनुभव में आता है। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय जुबली रोड गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। संध्या सत्संग को उत्सव के रूप में मनाया गया। ऐसे भी परंपरा अनुसार ध्यान से पहले नृत्य का सेशन होता है। इस संध्या सत्संग के संचालक स्वामी आत्मनिनाथ थे और ऑनलाइन चल रहे इस संध्या सत्संग में देश विदेश के हजारों सन्यासी जुड़े हुए थे। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। ओशो को समझने के लिए अरविंद जी एक युवा चित्त चाहिए। इसका शारीरिक उम्र से संबंध नहीं है, एक युवा चित्त जो खुला है, जो नई बात नई दृष्टि से कही गई उसको सुनने में सक्षम है, वही ओशो को समझ सकता है। जो पारंपरिक चित्त है, जो रूढ़िवादीता से ग्रस्त है, वो ओशो को नहीं समझ पाएगा जी। ओशो जो कह रहे हैं जिस आयाम की बात, वो आज के मनुष्य के लिए है, उसका पारंपरिक रीति रिवाजों से संबंध नहीं है और कई बार वो रूढ़िवादीता का खंडन करते हैं। तो ये जो पारंपरिक लोग हैं उनके ऊपर एक वो सह नहीं पाते। तो ओशो को समझने के लिए एकदम युवा चित्त चाहिए, इसलिए ये मैं संयोग नहीं है कि आपको युवा वर्ग अधिक दिखता है ओशो के साथ। यही वजह है। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।